नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मंडी रियासत की हिस्ट्री के बारे में। ज्योग्राफी के मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ, हिस्ट्री का भी मैं एक पार्ट बना चुका हूँ जिसमें हमने सुकेत रियासत के बारे में बात किया था, तो आज उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो आज हम मंडी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और ये पार्ट सेकंड होगा, तीन पार्ट में ये वीडियो आएगी क्योंकि जो मंडी की हिस्ट्री है वो थोड़ी लंबी है, तो आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। और ये वीडियो एक लेक्चर टाइप होगी, इसमें पहले से आपको कुछ नहीं दिखेगा, भाई पहले से नोट्स बनाए होते हैं जैसे मैंने वीडियोज में, तो इसमें डायरेक्टली हम बात करेंगे ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में। ठीक है, एक में हम अप्रोक्स 10 जो राजा थे उनके बारे में बात कर लेंगे, क्या क्या उनके काम रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बात करेंगे, और जो मैं आपके सामने लिखूंगा सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखूंगा, बाकी आप सुनने पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बोलूंगा ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए अच्छे से। और उससे पहले अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो आप उसके लिए इंस्टाग्राम चैनल पर जीके स्टडी को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली सर्च करोगे तो आपके पास इसी आइकन का एक जीके स्टडी का चैनल आएगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं डेली के जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है वो डालता रहता हूँ ताकि आपकी अच्छे से हेल्प हो जाए। तो जिसने अभी तक नहीं फॉलो किया है वो वहां पर जाकर फॉलो कर सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की। तो अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो पहले आप सुकेत रियासत के बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत से पॉइंट ऐसे होते हैं जो वहां से निकल कर आते हैं, तो अगर आपको वो क्लियर होगी तो आपको इसको समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, और फिर इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा बहुत जल्द आ जाएगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे मंडी रियासत के बारे में। तो हमने इससे पहले सुकेत के बारे में बात कर ली थी, तो जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हाँ मैं लिखूंगा बहुत कम। तो ये हमारा है पार्ट सेकेंड। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थापना की, यानी कि जो स्थापना की थी वो किसने की थी मंडी रियासत की, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अराइज होता है। तो वो की थी हमारी बाहुसेन ने। तो आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, बाहुसेन ने की थी 1330 ईस्वी में। अब ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, एक तो स्थापना किसने की थी, बाहुसेन ने, 1330 ईस्वी में। बाहुसेन कौन था उसके बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूं। ठीक है, बाहुसेन जो था वो सुकेत के राजाओं का ही एक वंशज था, और ये साहुसेन और बाहुसेन दो भाई थे। अब इन भाइयों में किसी कारणवश बनती नहीं थी, उसके बारे में आपको सुकेत की वीडियो में ज्यादा अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, जो मैंने सुकेत की वीडियो बनाई थी कि क्यों नहीं बनती थी। तो बाहुसेन और साहुसेन में नहीं बनती थी, इसलिए बाहुसेन क्या था कि जो सुकेत को छोड़कर मंगलोर कुल्लू में जा बसा था। ठीक है, तो यहां पर जो बाहुसेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं आपको वो यही पढ़ने हैं। एक तो बाहुसेन ने क्या की थी, मंडी रियासत की स्थापना की थी। सबसे पहले ये कौन से सन में की थी, 1330 ईस्वी में। उसके बाद क्या था कि वो सुकेत छोड़कर कहां पर गया था, तो वो गया था मंगलोर जो कि कुल्लू में स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि हाटेश्वरी देवी मंदिर। ठीक है, हाटेश्वरी देवी मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, वो हमारा बाहुसेन ने करवाया था। तो इतने ही पॉइंट हैं जो निकलते हैं, और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी और जो भी यहां पर मैंने इंफॉर्मेशन उठाई है वो जगमोहन बलोखरा से की बुक से उठाई है, जो द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश है। क्यों, रीजन उसका ये है क्योंकि जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं सारे में वही प्रेफर की जाती है, तो इसलिए मैंने उसी से नोट्स बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए, क्योंकि पढ़ने में बुक बहुत बड़ी है। तो मैंने अच्छे से उसको इस मंडी रियासत को स्टडी करके फिर उससे ये नोट्स बनाए हैं। तो अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो फिर भी आपकी यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलेंगे। तो यहां पर तीन ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए हमारे बाहुसेन के बारे में, कि एक तो बाहुसेन ने मंडी रियासत की स्थापना की थी, ठीक है, दूसरा क्या था, 1330 ईस्वी में की थी, और वो सुकेत को छोड़कर अपने भाई के साथ उसकी लड़ाइयां होती थी, तो सुकेत को छोड़कर कहां पर चला गया था, मंगलोर चला गया था कुल्लू में। और तीसरा क्या है, हाटेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, वो बाहुसेन ने करवाया था। अगर बाहुसेन की लाइफ पीरियड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यही पूछे जाएंगे, इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और एक और भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ये आपको सिर्फ एक्स्ट्रा याद रखना है कि 1200 ईस्वी तक क्या थे, मंडी और सुकेत एक ही राज्य के अंग थे। ठीक है, तो ये आप एक याद रख सकते हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उस पर भी ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाहुसेन के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट राजा के बारे में। जो नेक्स्ट राजा हमारे पास है वो है हमारा बाणसेन। ठीक है, यहां पर मैंने सन इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि अप्रोक्स जो भी सन दिए गए थे वो अप्रोक्स में दिए गए थे, तो कई बुक्स में अलग होते हैं, कुछ में अलग होते हैं, तो आप सन या तो छोड़ ही दीजिएगा या फिर देख लीजिएगा। ठीक है, सन से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आप जहां भी नोट्स बनाते हो वहां पर इंक्लूड कर लीजिएगा। दूसरे हम बात करेंगे बाणसेन के बारे में। ठीक है, बाणसेन ने क्या किया था कि एक जगह थी गिल्टी, ठीक है, वहां का जो मतलब आप कह सकते हैं राणा था या प्रमुख था, उसको हराया था 15 वर्ष की आयु में।
ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या बनता है बाण सेन के बारे में, कि बाण सेन ने किल्टी के प्रमुख को हराया था 15 वर्ष की आयु में, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर क्या हुआ, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था, पॉइंट वाइज आपको मैं बताता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, कि उसने राजधानी शिवकोट थी पहले, ठीक है। तो यहां पर एक बात आपको क्लियर होगी, जो राजधानी हमारी पहले थी मतलब मंडी रियासत की, वो शिवकोट थी, तो उसने शिवकोट से बदलकर कहां करी, भ्यूली में, ठीक है। कहीं पर ये यूली भी लिखा होता है, कहीं पर भ्यूली भी लिखा होता है, तो मैंने आपको दोनों बता दिया, ठीक है। तो दो पॉइंट हो गए हमारे पास, एक तो उसने किल्टी के प्रमुख यानी कि हेड को हराया था 15 वर्ष की आयु में, और उसने राजधानी शिवकोट से भ्यूली बदली थी। ये राजधानी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहां पर ट्रांसफर करी थी, ठीक है, दो हो गए। तीसरा पॉइंट उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, कि उसने पराशर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यही बस तीन पॉइंट हैं बाण सेन के बारे में इंपॉर्टेंट, अगर बाण सेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाण सेन ने क्या क्या किया था। तो बाण सेन ने सबसे पहले किल्टी के प्रमुख को हराया था 15 वर्ष की आयु में। अब आई थिंक बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि बार बार रिपीट क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो बार बार इसलिए रिपीट किया जा रहा है क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है, तो आप जितनी बार इसको सुनोगे, जितनी बार इसको पढ़ोगे, आपको एक बारी में ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत कम आपको जरूरत पड़ेगी कि आपको ये रिवाइज करना पड़े, इसलिए मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं। तो बाण सेन ने क्या किया था, किल्टी के प्रमुख को हराया था 15 वर्ष की आयु में, शिवकोट से राजधानी भ्यूली बदली, ठीक है, या आप इस ये भी पूछ सकते कि पहले क्या राजधानी थी, तो शिवकोट थी, शिवकोट से भ्यूली राजधानी बदली, और प्राचीन मंदिर का उसने निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये जो थे उसने करवाया था बाण सेन ने। अब हम अगले राजा के बारे में पढ़ेंगे, तो अगला जो राजा था वो था कल्याण सेन, ठीक है। सभी के मैक्सिमम के पीछे कल्याण सेन, बाण सेन, मतलब सेन ही लगता है, ठीक है। तो अगला थोड़ा जो कल्याण सेन, अब इसका पहला पॉइंट क्या था इंपॉर्टेंट, इसने क्या किया था, एक जगह थी बठूली, बठूली जिसको आज के टाइम में पुरानी मंडी कहा जाता है, ठीक है, बठूली। इसने क्या किया, बठूली को अपने लिए खरीदा और वहां पर एक महल का निर्माण करवाया, ठीक है, वहां पर एक महल बनवाया और उसी को ही क्या अपनी राजधानी बना दिया। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इसने एक तरह से क्या किया कि भ्यूली से जो राजधानी थी वो बठूली ट्रांसफर करी, मतलब यही हुआ ना कि उसने बठूली को अपने लिए खरीदा जिसको पुरानी मंडी कहा जाता है और वहां पर एक महल बनाया और उसको राजधानी, यानी कि इसने भ्यूली से राजधानी ट्रांसफर कहां पर करी, बठूली में। यानी कि क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा कि भ्यूली से बठूली किसने अपनी राजधानी ट्रांसफर करी थी या स्थानांतरित करी थी, तो वो की थी कल्याण सेन ने, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर दो पॉइंट हो गए इसके बारे में। तीसरा पॉइंट क्या था कि इसका जो पुत्र था वो था हीरा सेन, ठीक है, हीरा सेन इसका पुत्र था। तो एक था तिल्ली, जगह थी तिल्ली के जो राणा थे, ठीक है, उनके साथ ये युद्ध में मारा गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और कौन कितने सन में मारा गया था, 1405 में। तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी मैंने बता दिया कि इसका पुत्र था जो हीरा सेन, वो तिल्ली गंधर्व के राणा के साथ 1405 में युद्ध में माना गया था। जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि बठूली पुरानी मंडी में एक महल बनाकर कल्याण सेन ने उसको अपनी राजधानी बनाया था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भ्यूली से बठूली राजधानी जो ट्रांसफर करी थी वो कल्याण सेन ने की थी। तो मैं इसे कर देता हूं थोड़ा वॉश। अब हम बात करते हैं अगले राजा के बारे में, ठीक है। तो अगले राजा जो थे वो थे हमारे दिलावर सेन, दिलावर सेन थे। अब इनके बारे में बात करते हैं, इनके प्रमुख कार्य क्या क्या थे। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या आया था, सिकंदर लोदी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये थे सिकंदर लोदी के समकालीन। समकालीन का मतलब ये होता है, अगर आपको किसी को पता ना हो, वैसे मैंने पहले भी बताया है कि मान लीजिए ये राजा था 1400 ईस्वी में, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं 1400 ईस्वी में, और उसी समय में सिकंदर लोधी भी कहीं का शासक था 1400 ईस्वी में। तो ये क्या हो गए, समकालीन हो गए, यानी कि एक ही टाइम पीरियड में। वैसे दिलावर सिंह 1400 ईस्वी में नहीं था, ये भी सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि मतलब क्या होता है समकालीन। समकालीन का मतलब होता है दो राजा सेम पीरियड में। तो जो दिलावर सेन था वो सिकंदर लोधी का समकालीन था। अब दिलावर सेन के समय में ही क्या किया था, सिकंदर लोधी ने मंडी पर आक्रमण किया था, ठीक है, और उसी के नाम पर क्या था, एक वहां पर मंडी में एक धार है जिसका नाम, मतलब पहाड़ी का नाम सिकंदर धार पड़ा था। तो यहां पर आपको आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि जो सिकंदर लोधी था जो वो किसका समकालीन था, या फिर दिलावर सेन किसका समकालीन था, वो सिकंदर लोधी का समकालीन था। और इसी के समय में
क्या किया था, मंडी पर आक्रमण किया था सिकंदर लोदी ने। तो जब आक्रमण किया था तो वहां पर एक, जहां से वो उसकी एंट्री हुई थी वहां पर एक पहाड़ी थी, धार बोलते हैं जिसको स्थानीय भाषा में, उसका नाम क्या पड़ गया था, सिकंदरा धार या सिकंदर धार। और सिकंदर की क्या थी, एक सैनिक टुकड़ी मंडी में 9 वर्षों तक मंडी की पहाड़ियों में रही थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको है जो दिलावर सेन के बारे में याद रखने। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट्स सेपरेट आउट किए हैं। अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको इसके अलावा कोई पॉइंट भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा वॉश कर देता हूं। तो ये हमारा था सिकंदर दिलावर सेन के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अजबर सेन। अगले जो हमारे राजा थे वो थे अजबर सेन। ठीक है, तो अजबर सेन को प्रथम राजा माना जा सकता है क्योंकि इन्हीं के टाइम में जो थे दूसरी रियासतों पर हमले या आप कहें आक्रमण शुरू हुए थे। तो इन्होंने क्या किया था, बठूली, आपको पता है बठूली जो राजधानी थी हमारी पहले कल्याण सेन के टाइम में, जो हमारी बठूली राजधानी थी, तो इन्होंने बठूली से राजधानी अपनी कहां पर स्थापित की, सहलियाना। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि राजधानी किसने कहां से ट्रांसफर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो बठूली से सहलियाना, आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्या लिखा है मैंने, क्योंकि लिखने में थोड़ा ऐसा ही है। तो बठूली, ये बठूली है, तो बठूली से सहलियाना, सहलियाना जिसको मंडी नगर कहा जाता है, मंडी नगर आज के टाइम में मंडी नगर कहा जाता है, इसको पुराने टाइम में कहते हैं सहलियाना। तो उन्होंने वहां पर ट्रांसफर करी थी और तभी से ये नगर मंडी नगर कहलाया जाने लगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मंडी नगर की स्थापना किसने करी थी, तो मंडी नगर की स्थापना जो की थी वो अजबर सेन ने की थी। तो यहां पर 3-4 पॉइंट निकल के आते हैं कि मंडी नगर की स्थापना किसने की थी। फर्स्ट ये आता है, ठीक है, तो वो की थी अजबर सेन ने। सेकंड आता है कि बठूली से सहलियाना जो राजधानी थी वो किसने ट्रांसफर करी थी, वो की थी हमारी अजबर सेन ने। फिर आता है भूतनाथ का मंदिर जो बनवाया था वो भी अजबर सेन ने बनवाया था। और एक और मंदिर था त्रिलोकनाथ का, ठीक है, वो बनवाया था अजबर सेन की वाइफ जो थी सुल्तान देवी, सुल्तान देवी ने बनाया था बठूली में 1520 ईस्वी में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो अजबर सेन के बारे में थे। कि सबसे पहला दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार, मंडी नगर की स्थापना किसने की थी, अजबर सेन ने की थी, और उन्होंने अपनी राजधानी बठूली से सहलियाना जिसको मंडी नगर कहा जाने लगा था बाद में वहां पर ट्रांसफर करी थी। भूतनाथ का मंदिर अजबर सेन ने बनाया था और त्रिलोकनाथ का मंदिर जो बनाया था वो उनकी पत्नी सुल्तान देवी ने 1520 ईस्वी में बनाया था। तो आई होप आपको ये भी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे राजा हैं, ठीक है, वो हैं हमारे साहिब सेन। साहिब सेन के बारे में बात करेंगे। तो साहिब सेन के टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो गुम्मा और द्रंग आपने सुना होगा, गुम्मा व द्रंग नमक की खान है यहां पर, ठीक है, गुम्मा और द्रंग में। तो साहिब सेन ने क्या किया था कि गुम्मा और द्रंग की नमक की खानों पर जो राणाओं का अधिकार था वहां पर आक्रमण करके इन पर अपना अधिकार स्थापित किया था। यानी कि गुम्मा और द्रंग पर किसके टाइम पर जो था आक्रमण हुआ था या किसने अपने कब्जे में लिया था उसको, तो वो लिया था साहिब सेन ने, ठीक है। और इससे पहले जो था वो सकेत के राजा मदन सेन का भी इस पर अधिकार रहा है, बट मंडी की अगर बात करें तो मंडी से साहिब सेन ने ही गुम्मा और द्रंग की नमक की खानों पर अधिकार किया था, ठीक है। उन्होंने कुल्लू के भी कुछ क्षेत्र पर अधिकार किया था जिसे अभी फिलहाल सिराज मंडी के नाम से जाना जाता है आज के टाइम में, ठीक है। तो ये आपको दो पॉइंट याद रखने, पहला तो गुम्मा और द्रंग की नमक की खानों मतलब किसके समय में मंडी में मिली थी, ये भी आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कोई भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो मिली थी साहिब सेन के टाइम पर, और कुल्लू का कुछ क्षेत्र जो था वो साहिब सेन ने अपने क्षेत्र में मिला दिया था, उसे कहते हैं सिराज मंडी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन थोड़ा सेपरेट बनता है कि जो साहिब सेन था इसी के काल में जो हुमायूं था, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं जो था उन्होंने सिकंदर सूरी को परास्त किया था, यानी कि सिकंदर सूरी को हराया था, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बन गया, ठीक है, 1555 ईस्वी में। तो यहां पर तीन पॉइंट बट पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने तीन पॉइंट आपको क्लियर कर दिए कि सबसे पहला गुम्मा और द्रंग की खाने थी जो वो कब मंडी में मिलाई गई थी, तो साहिब सेन के समय में। सिराज मंडी का क्षेत्र जो था वो कब मिलाया गया था, साहिब सेन के समय में। और हुमायूं ने सिकंदर सूरी को कब परास्त किया था, 1555 ईस्वी में, साहिब सेन के समय में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साहिब सेन का पूरा
चैप्टर क्लोज, यानी कि इतने ही पॉइंट हैं जो साहिब सेन के बारे में इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं हम हरी सेन के बारे में। जो इंपॉर्टेंट राजा थे वो थे हमारे हरी सेन। ठीक है, तो हरी सेन ने, उनके पिता जो थे केशव सेन थे, ठीक है, उनकी याद में 1623 ईस्वी में एक वर्षिला बनवाई थी सुकेत नदी के तट पर। ठीक है, सुकेत नदी के तट पर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। फिर भी अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए तो आपको मैं सारा कुछ क्लियर, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी कुछ क्लियर करवा रहा हूं। तो 1623 में इन्होंने अपने पिता की याद में, केशव सिंह की याद में, एक वर्षिला स्मारक के तौर पर बनाई थी। ठीक है, दूसरा क्या है, जो केशव हरि सेन था वो नूरपुर के राजा जगत सिंह का समकालीन था। ठीक है, अब ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो नूरपुर का राजा था जगत सिंह, ठीक है, उसका ये क्या था, समकालीन था। समकालीन मैंने आपको पहले ही मतलब बता दिया है, जो सेम टाइम पीरियड में राजा होते हैं। ठीक है, तो हरि सेन क्या, सबसे पहला पॉइंट है कि इसने एक वर्षिला का निर्माण कराया था। सेकंड पॉइंट है, नूरपुर का राजा जो जगत सिंह था उसका ये समकालीन था, यानी कि सेम टाइम पीरियड पे दोनों राजा थे। अब नूरपुर का जो राजा था जगत सिंह, उसके बारे में भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, जगत सिंह जो था उसको 1618 ईस्वी में जहांगीर ने कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया था। तो यहां पर आपके कुछ क्वेश्चन कांगड़ा के भी क्लियर हो रहे हैं, वैसे ही कांगड़ा में भी पढ़े हैं, बट फिर भी एक तरह से रिवीजन हो रहा है। तो इसको क्या किया था जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने क्या किया था इसको, कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया था 1618 में। किसको, जगत सिंह को। ठीक है, और 1623 में क्या किया था इसने, जगत सिंह ने चंबा पर आक्रमण कर, चंबा पर आक्रमण किया था और वहां के राजा जो था जनार्दन उसको मारा था। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे जो हैं वो हैं हमारे जगत सिंह के बारे में, और ये जो दो हैं वो हैं हरिसेन के बारे में। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे कि हरिसेन ने क्या किया था, 1623 में वर्षिला का निर्माण करवाया था सुकेत नदी के तट पर, और जो हरिसेन था वो नूरपुर के राजा जगत सिंह का समकालीन था। अब जगत सिंह के बारे में अगर बात करें तो 1618 में कांगड़ा का फौजदार उसको नियुक्त किया गया था जहांगीर के द्वारा, मुगल सम्राट जो थे, और 1623 में उसने चंबा पर आक्रमण किया था और वहां के राजा जनार्दन को मारा था। ठीक है, तो इससे जो आपसे पॉइंट पूछे जाएंगे वो इतने ही पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले राजा के बारे में, वो थे हमारे सूरज सेन। ठीक है, सूरज सेन का क्या रोल रहा है मंडी रियासत के इतिहास में। अब क्या था, देखिए हमने पहले पढ़ा था कि जो गुम्मा और द्रंग की नमक की खानों पर जो हमारा अधिकार किया था, ठीक है, वो साहिब सेन ने किया था, आपने अभी पढ़ा था प्रीवियस में, मैंने आपको बताया था। अब सूरज सेन के टाइम पर क्या हुआ कि कुल्लू की सेनाओं ने क्या किया, ठीक है, गुम्मा और द्रंग की, कुल्लू की सेना ने गुम्मा और द्रंग की जो नमक की खानी थी, ठीक है, उन पर अपना अधिकार जमा लिया। यानी कि सूरज सेन के टाइम पीरियड में क्या हुआ, सबसे पहला केस कि जो गुम्मा और द्रंग की नमक की खाने थी उस पर क्या हुआ, कुल्लू का अधिकार हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, बट क्या हुआ कि सूरज सेन ने किसी भी तरह से सुलह करके उन नमक की खानों को अपने पास वापस ले लिया। तो इसके टाइम पीरियड में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इसी के टाइम पीरियड में जो था वो कुल्लू ने अधिकार कर लिया था, कहां पर, नमक की खानों पर। सेकेंड भी एक पॉइंट आता है कि कमलाह दुर्ग जो इंपॉर्टेंट था मंडी में, कमलाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था सूरज सेन ने। ठीक है, तो दो पॉइंट ही आपको याद रखने, ठीक है, ये दो पॉइंट भी आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ के दो पॉइंट ही निकलेंगे, अगर आप खुद भी पढ़ते हो तो इतने ही पॉइंट है, तो आपको दो पॉइंट याद रखने, और आई होप आप याद भी रखोगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला जो राजा था वो था हमारा श्याम सेन। ठीक है, श्याम सेन, तो श्याम सेन ने क्या किया था, श्याम सेन ने मुगल सेना, देखिए मुगल सेना बार बार क्या करती थी, पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करती थी, तो श्याम सेना ने क्या किया था, बिलासपुर के राजा, बिलासपुर का एक राजा था, ठीक है, बिलासपुर का राजा जो था उसका नाम था भीमचंद। तो भीमचंद की इसने सहायता करी थी श्याम सेन ने, ठीक है, मुगल सेना के में लड़ाई के विरुद्ध। रीजन क्या था कि भीमचंद जो था वो नाबालिग था। तो क्वेश्चन इससे किस तरह से बनता है, ये मैंने पॉइंट इसलिए ऐड किया है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है कि बिलासपुर का जो राजा था भीमचंद, उसकी सहायता मुगल सेना के युद्ध में किसने की थी, ठीक है, तो वो की थी श्याम सेन ने, ये बन जाता है पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आप है, जो श्याम सेन था वो सुकेत के राजा
राजा जो था जीत सेन उसका समकालीन था। ठीक है, तो दो पॉइंट यहां पर आपको क्लियर हो गए। ठीक है, एक तो बिलासपुर के राजा भीमचंद की मदद की थी और दूसरा वो जीत सेन का समकालीन था। ठीक है, फिर क्या हुआ था कि जो सुकेत और मंडी था उनके बीच में कभी भी नहीं बनती थी, मतलब पूरी लाइफ टाइम पीरियड में जब भी इनका शासनकाल रहा है सुकेत और मंडी के बीच में कभी नहीं बनी है। तो श्यामसेन और जो सुकेत के राजा जीतसेन थे उनके बीच में युद्ध हुआ था किसके पास, लोहरा के पास। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, लोहरा के पास युद्ध हुआ था जिसमें विजय किसकी हुई थी, श्यामसेन की हुई थी। ठीक है, लोहरा के पास युद्ध हुआ था। अब श्यामसेन के नाम से आप याद रखिएगा कि श्यामा काली का मंदिर जो बनवाया था वो श्यामसेन ने बनाया था। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये हमारे पास हो गया। और फिफ्थ पॉइंट एक और है, एक राजा था, राजा तो नाम तो नहीं पता है, ठीक है, बट राणा था वो, नाचन, एक जगह थी नाचन का राणा, जो राचन का राणा था उसको क्या था, श्यामसेन ने बंदी बनाकर रखा था मंडी में। ठीक है, तो तीन चार पॉइंट यहां पर हो गए हमारे पास। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, श्यामसेन जो था बिलासपुर का जो राजा था भीमचंद उसकी मदद की थी मुगल सेना के खिलाफ, नाबालिग था क्योंकि वो। ठीक है, दूसरा क्या था, सुकेत के राजा जो था जीतसेन उसका ये समकालीन था। तीसरा क्या था, जो सुकेत था और मंडी था उसके बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, तो सुकेत के राजा जीतसेन और श्यामसेन के बीच लोहरा के पास युद्ध हुआ था जिसमें श्यामसेन विजयी रहा था। श्यामा काली का मंदिर जो बनाया था वो श्यामसेन ने बनाया था। और नाचन का राणा था जिसका नाम नहीं पता है, ठीक है, तो उसका क्या था, इसको इसने मंडी में उसको बंदी बनाकर रखा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो है श्याम सेन के बारे में। ठीक है, फिर आता है हमारे पास गौरसेन, नेक्स्ट आता है हमारे पास गौरसेन और ये सेकंड लास्ट है, इससे बाद हम लास्ट की बात करेंगे ताकि ज्यादा लंबे ना हो जाए, ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो बात करते हैं हम गौरसेन के बारे में। तो गौरसेन ने क्या किया था, कहलूर के साथ संधि की थी। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, कहलूर के साथ इसने संधि की थी, पहला पॉइंट ये। अब इसने संधि में क्या कहा था कि जब भी इसका युद्ध होगा, ठीक है, गौर सेन का, तो कहलूर की सेना उसमें साथ देगी। तो दूसरा क्या पॉइंट रहता है यहां पर हमने, कि हटोली की लड़ाई हुई थी एक, आपको याद रखना है हटोली की लड़ाई। ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी, ये हुई थी मंडी और कांगड़ा के बीच में, मंडी और कांगड़ा के बीच में। कौन से सन में हुई थी, ठीक है, तो ये हुई थी हमारी 1675 ईस्वी में। ठीक है, तो हटोली की लड़ाई हुई थी मंडी और कांगड़ा के बीच में 1675 ईस्वी में। तो उसमें कहलूर ने किसका साथ दिया था, मंडी का, क्यों, क्योंकि कहलूर के साथ पहले ही गौरसेन ने संधि कर रखी थी। दो ही पॉइंट इसके लाइफ टाइम के होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कि सबसे पहले तो इसने कहलूर के साथ संधि की थी, ठीक है, जिसके आधार पर क्या हुआ कि हटोली की लड़ाई जो हुई मंडी और कांगड़ा के बीच में उसमें जो कहलूर की सेना थी उसने गौरसेन का साथ दिया जो कि हुआ था 1675 ईस्वी में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट राजा की, लास्ट बट बिल्कुल लास्ट नहीं है, इस वीडियो का लास्ट है, उससे बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं सिद्ध सेन के बारे में। देखिए, सिद्ध सेन का जो टाइम पीरियड रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, जब सिद्ध सेन गद्दी पर बैठा था तो उसने जो उसके पिता थे उनका जो उनकी जो रखेल थी उसके पुत्र था एक मियां जप्पू, मियां जप्पू, ये आपको नाम याद रखने, मियां जप्पू उसको क्या बनाया था, अपना वजीर बनाया था। ठीक है, तो मियां जप्पू क्या हो गया, हमारा वजीर हो गया, इस तरह से आपको याद रखना। नोट्स भी आप बनाओगे तो इसी तरह से बना देना कि सिद्ध सेन है, नीचे आप मियां जप्पू लिखिए, मियां जप्पू क्या था, वजीर था। अब ये जो मियां जप्पू जो वजीर था ये बहुत ही एक तो निष्ठावादी था, ठीक है, अच्छे से काम करता था, मतलब इसमें करप्शन टाइप का कोई भी चीज नहीं थी। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इसने जमीन का बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, बंदोबस्त लागू किया था, ठीक है, जो अप्रोक्स क्या है 200 वर्षों तक चला था। ठीक है, तो मियां जप्पू का ये जो था इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, सेकंड क्या था, सेनापति एक था, हाँ, सिद्ध सेन का जो सेनापति था वो उसका नाम क्या था, वो था मियां बीरू सिंह। ठीक है, अब मियां बीरू सिंह के नेतृत्व में सिद्ध सेन ने बहुत से काम किए, तो उन कामों को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1688 में क्या है, सुकेत की जो जगह थी नाचन हटली, जिसको हटोली भी बोलते हैं, ठीक है, और दलेल, ठीक है, तो 1688 में क्या किया इन सेनाओं ने, मतलब सिद्ध सेन ने, आप बोल सकते हैं नाचन हटोली, ठीक है, और दलेल जो कि सुकेत में थे पहले, उन पर क्या करा, अपना अधिकार जमा लिया। फिर 1690 में क्या हुआ,
कि धनेशगढ़ हो गया हमारा, ठीक है, सरखपुर हो गया, जो सारे कहां पर पढ़ते थे, सुकेत में पढ़ते थे, और शिवपुर पर अपना अधिकार कर लिया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि धनेशगढ़ जो है मंडी में, मंडी रियासत में कब मिलाया गया था, तो वो मिलाया गया था 1690 ईस्वी में। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको पूरा क्लियर कर रहा हूँ। 1698 में क्या किया गया था, सुकेत के रायपुर को मिलाया गया था, जो सिंगल सिंगल है वो तो आप याद रखिएगा ही। और 1699 ईस्वी में क्या किया गया था, माधोपुर को मिलाया गया था, ठीक है। तो ये जो सारे काम हुए थे वो मियां बीरू सिंह के नेतृत्व में हुए थे, तो इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। फिर चौथे पॉइंट की अगर बात करें, ठीक है, तो एक बंगाल का राजा था, या राणा आप बोल सकते हो, या राजा बोल सकते हो, बंगाल, ठीक है, उसका नाम था पृथ्वीपाल, ठीक है। तो इसको क्या करा था सिद्धिसेन ने, मंडी के दमदमा महल, दमदमा महल आपको नाम याद रखना है, दमदमा महल में बंदी बनाकर रखा था, ठीक है। तो यानी कि जो सिद्धिसेन था उसने बंगाल के राजा पृथ्वीपाल को दमदमा महल में बंदी बनाकर रखा था, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात आती है मंदिरों के निर्माण की, कि ये सिद्ध जो हमारा सिद्धिसेन था उसने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण किया था। तो सबसे पहले आता है सूरा कोठी, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है जिन जिन के भी आगे सिद्ध लगा है, ठीक है, सिद्ध गणपति, फिर हमारा हो गया सिद्ध भद्रा, यानी कि सिद्ध सैन से सिद्ध आप याद रखिएगा, ये तो आपको क्लियर हो ही जाएंगे, भद्रा, ठीक है। फिर हो गया पंचवक्त, इस टाइप का नाम है, ठीक है, बटुक भैरव हो गया, बटुक भैरव, फिर सिद्ध साठ और सिद्ध जालपा, यानी कि सिद्ध जिनके भी आगे हैं, ठीक है, वो सारे किसने बनाए थे, सिद्ध सैन ने बनाए थे, ठीक है, और शंभू महादेव। तो ये सारे जो मंदिर थे वो बनाए गए थे सिद्ध सैन के द्वारा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्लियर भी होगी होगी, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लेक्चर टाइप बनाया था ताकि आपको साथ साथ क्लियर होते जाए और रिविजन भी हमारा होता जाए। तो अप्रोक्स 10 जो राजा थे उनके बारे में हमने मंडी रियासत के बारे में बात कर लिया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अगला पार्ट बनाए कि ना बनाए, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जीके स्टडी को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आप ही लोगों के लिए रोज करंट अफेयर्स अपलोड करता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और साथ साथ में आपको जब जब जैसे जैसे फॉलोवर्स बढ़ते जाएंगे और भी कुछ लेके आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू सो मच।